स्टूडेंट्स सब्जेक्ट वाला मेन टॉपिक वाला एक्सपेरिमेंट फॉर्म प्रीवियस वीडियोस में हमने सीखा था प्लेस वैल्यू क्या होता है फेस वैल्यू क्या होता है। अब की वीडियो में हम सीखेंगे एक्सपेरिमेंट फॉर्म। एक्सपेरिमेंट फॉर्म मतलब होता है कोई भी नंबर है उसको एक्सपेंड कर देना, कोई भी नंबर है उसको क्या कर देना एक्सपेंड कर देना। जैसे नंबर ले लेते हैं 9432, छोटा नंबर लेते हैं 9432, इसमें हमें क्या होता है ना हमें एक्सपेरिमेंट फॉर्म करना है। तो 9432 का एक्सपेरिमेंट फॉर्म क्या होगा, जैसे देखिए यहाँ सबसे पहले तो क्या करते हैं सुनो क्या बनाएंगे प्लेस बनाएंगे 2 पे 1 से 3 पे 10 से 4 पे 100 है और 9 पे 1000 है। तो हमने क्या करा पहले प्लेसेस बना ली 1 से 100 1000, अब हम क्या करेंगे उस अब उसका करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। राइट करते हैं इज इक्वल टू फर्स्ट ऐड करेंगे हम 9, फर्स्ट हमने ऐड करा दिया यहाँ पे 9 ऐड करा। अब 9 के बाद कितने डिजिट्स है 1 2 3, 3 डिजिट्स से इसमें हम क्या करेंगे 3 जीरोस ऐड कर देंगे 1 2 और 3, और क्या ऐड करेंगे प्लस का साइन ऐड करेंगे। अब 4 ऐड करेंगे एज इट इज, और 4 के बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट है तो 1 और 2, तो हम क्या करेंगे 2 ऐड कर देंगे प्लस। अब 3 है तो हम क्या करेंगे 3 ऐड करेंगे, और 3 पर कितने डिजिट है 1 डिजिट है इसलिए 10 प्लस और 2 का 2 एज इट इज, क्योंकि 2 के बाद कोई भी नंबर नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे 2 एज इट इज ऐड कर देंगे, क्योंकि 2 के बाद कोई भी नंबर नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे 2 को एज इट इज ऐड हम कर देंगे। एक नंबर और लेते हैं जैसे नंबर, अब इससे बड़ा नंबर लेंगे 4 5 6 7 8 9, ठीक है सेम एज इट इज। क्या करना है सबसे पहले फर्स्ट की चेंज इन टू प्लेस वैल्यू चार्ट, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 और 10,000 लेख हमने क्या करें लेख तक का ले लिया इसमें हमने क्या करा इसमें हमने लेख तक का नंबर ले लिया है और हमने लेख तक के नंबर को क्या करना एक्सपेरिमेंट फॉर्म में चेंज करना है तो देखिए कैसे करते हैं स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हम रेड करेंगे इज इक्वल टू रेड करेंगे और अब फोर रेड करेंगे फर्स्ट क्योंकि हमें स्टार्टिंग से करनी होती है फोर से या फिर जो नंबर होगा यहाँ पे उस प्लेस से हमें करनी होती है हमने फोर रेड करा और फोर के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, तो हमने क्या करेंगे 4 5 जीरो सेट कर देंगे 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो सेट कर देंगे 1 2 3 4 और 5, प्लस का साइन लगाया हमने। अब हम क्या करेंगे हमारे पास क्या है 5 है तो हमने 5 ऐड करा और 5 में कितने डिजिट है 1 2 3 4, तो 4 जीरो 1 2 3 4 प्लस। अब 6 है हमने क्या ऐड करा यहाँ पे 6 ऐड करा, चलिए यहाँ ऐड कर लेते हैं हमने 6 ऐड करा। अब 6 के बाद कितने डिजिट है 1 2 3, तो 3 जीरो 1 2 3 जीरो प्लस, स्पेस नहीं है इसलिए नीचे ऐड करेंगे। 7 है अब 6 के बाद तो हमने 7 ऐड करा और 7 पे कितने डिजिट है 2 डिजिट है 1 और 2, तो हमने 2 जीरो ऐड कर दिए प्लस लगाया। 8 है हमने 8 ऐड करा और 8 के बाद कितने डिजिट है 1 डिजिट है इसलिए हमने 0 ऐड करा, और 9 का 9 डिजिट ऐड कर दिए क्योंकि 9 के बाद कोई भी डिजिट नहीं थी। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ये क्या हो गया हमारे आंसर हो गए। अब एक तरीका तो ये था, इसके करने के 3 मेथड होते हैं, क्या होते हैं 3 मेथड होते हैं। तो फर्स्ट मेथड आपको समझ में आ गया समझिए, सेकंड और थर्ड मेथड, सेकंड और थर्ड मेथड क्या है वो समझने की इसी क्वेश्चन है। अच्छा इसको निकालने का एक और तरीका है, इसको निकालने का एक और तरीका है वो क्या होता है, हमने 9 ऐड करा, जो 9 था हमारे पास हमने 9 ऐड करा मल्टीप्लाई लगाया और 1 ऐड करेंगे और कितने डिजिट है 9 के बाद 1 2 3, तो 3 डिजिट 1 2 3 जीरोस ओके। अब ऐड करेंगे प्लस, अब क्या ऐड करेंगे प्लस, अब 4 था तो हमने 4 ऐड करा मल्टीप्लाई लगाया और मल्टीप्लाई लगाने का ऐड करेंगे हम 7 इट इज 1 ऐड करेंगे और 1 पे कितने डिजिट है 2 डिजिट है 3 और 2 तो 2 डिजिट हो गई, मतलब 2 डिजिट है नंबर नहीं डिजिट 2 डिजिट है इसलिए 1 और 2 0, फिर अगेन प्लस ऐड करेंगे। अब हम ऐड करेंगे 3 ऐड करा आपने मल्टीप्लाई अगेन वही 1 ऐड करेंगे और अब 3 में कितने डिजिट है यहां पे 1 डिजिट है इसलिए हमने 10 ऐड करा प्लस हमने 2 ऐड करा और मल्टीप्लाई 1 करा, ये मल्टीप्लाई 1 तो हमें लगा नहीं है, अब 2 का कोई डिजिट ही नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 1 को एज इट इज छोड़ देंगे। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सेकंड प्रोसेस ये निकल के आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 1 9 1 9
और जीरो के जीरो एड्रेस को हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई जीरो से करते हैं तो क्या निकल के आता है, जीरो ही निकल के आता है, इसलिए क्या आ गया, जीरो आ गया। प्लस का प्लस एज इट इज, फोर वन जा फोर, फोर वन जा फोर और जीरो जीरो एज इट इज। प्लस लगाया हमने, फिर थ्री का थ्री और थ्री वन जा थ्री, जीरो का जीरो एज इट इज। फिर हमने प्लस का प्लस एज इट इज ऐड करा और टू वन जा टू, तो ये क्या हो गया हमारा सेकेंड। एक स्टेप और होता है, एक स्टेप और होता है, और वो स्टेप क्या है, वो स्टेप होता है लास्ट स्टेप जिसको हम लोग बोलते हैं, ये तो था हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। एक आता है एक्सपेंडेड फॉर्म इन वर्ड्स, क्वेश्चन बनता है एक्सपेंडेड फॉर्म इन वर्ड्स। अब वर्ड्स का मतलब क्या है, समझ लीजिए वर्ड्स का मतलब क्या है। देखिए ये 9 है, 9 क्या है, 9000 है, तो हम करेक्ट करते हैं 9 और 1000 की स्पेलिंग, और 1000 की स्पेलिंग और सेम इट इज प्लस लगाएंगे, और 4 है तो 4 ऐड करा, और 4 किस पे है, 100 पे है, 400 तो 100 की स्पेलिंग, तो 100 की स्पेलिंग। अब प्लस का फिर से इट इज प्लस ऐड करेंगे, अब 30 है ये तो 30 नहीं है, अब ये क्या है, टेंस की प्लेस पे था, मैंने आपको कहा था आपसे टेंस की प्लेस पे है, तो 3 का 3 ऐड करेंगे और टेंस, और टेंस सेम इट इज हमने ऐड करा यहां पे प्लस, और 2 है तो 2, अब 2 किस प्लेस पे था, वंस की प्लेस पे था, इसलिए 2 वंस। ओके ये तुम्हारे 3 मेथड, हमें इसी तरीके से करना होता है। क्वेश्चन कभी कैसे होता था, सिर्फ और सिर्फ ओनली एक्सपेंड फॉर्म में बताइए, ओनली क्या पूछ होता है कभी कभी सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंड फॉर्म में, तो आप ये वाला ग्रेड कर देंगे सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडेड फॉर्म में। ऊपर वाला स्टेप चाहे ऐड करिए चाहे मत करिए, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है आपका आंसर है, दिस बी योर आंसर। और आपसे पूछता है राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म इन वर्ड्स, अब वर्ड्स में भी करना है आपको, तो वर्ड्स में क्या आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। ओके तो आई होप आपको समझ में आएगा एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होते हैं। प्रीवियस वीडियो भी चेक करिएगा, इसे प्लेस वैल्यू बताया था, फेज वैल्यू, और अब की वीडियो में क्या बताया, एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके थैंक यू।